अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो आज है फ्राइडे का दिन, मैं आई हुई हूँ अपने बाल ब्लो ड्राई करवाने और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। तो वापसी के लिए अम्ब्रेला हमने मांग लिया है जनाबे अली राबिया की। थैंक यू राबिया जी। हो गया ले जी, बताएं कि कैसे हुए हैं मेरे बाल। आया ना मज्जा भैया, ये मैं ले जाती हूँ और फिर मेरा ड्राइवर यहाँ पे रख देगा। चले ठीक है। हम छतरी लाना भूल गए थे, तो सैलून की एक बच्ची है राबिया, उसकी मैं ये अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। थोड़ी सी और शॉपिंग भी इसमें करूँगी, तो फिर मैं अभी क्या करने लगी हूँ कि जाफर के हाथ उनको बिस्किट्स और ये अम्ब्रेला हम उन्हें वापस कर देंगे। इधर होंगे बिस्किट्स, ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक दो यहाँ से चिप्स ले लेते हैं। वो सियाप को बुला रहे हैं, बुला रहे भाई कपूर में भाई। आप आ जाइए गाड़ी में बैठे तो मैं फिर दे देता हूँ ये चीजें उनको दे दे। सही, ये अम्ब्रेला लेके जाते हैं, डी वॉटसन से कुछ चीजें लेनी है वो लेते हैं, फिर इनको आकर अम्ब्रेला वापस करते हैं, फिर घर चलते हैं। तो ये आ गए हैं जी डी वॉटसन, यहाँ से लेती हूँ अपना कंडीशनर और एक स्क्रब। ये आ गए जी हम कंडीशनर्स की साइड पे। कंडीशनर किधर है? लॉरियल का लोकल में इंपोर्टेड? नहीं, ये इंपोर्टेड में। यस ये वाले नहीं, मुझे इस तरह के चाहिए मास्क। ये मास्क इसकी प्राइस क्या है? काफी महंगा होता है। ये देखें 6000, मैंने कहा था ना 250। ये है जी फॉर लेस अनलिमिटेड एब्सोल्यूट रिपेयर वाला। तो नेक्स्ट चीज जो मेरी खत्म हुई हुई थी वो था मेरा फेशियल स्क्रब, और मैं डेली फेशियल स्क्रब देख रही थी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए थे, जैसे गार्नियर, लॉरियल वगैरह, और इनकी प्राइस रेंज 800, 900 एंड 1000 थी। एक कुछ तो बीच में से ऐसे थे जो कि आप हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ डेली स्क्रब। अच्छा जी ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? 1000 का है, और परफेक्ट एंड फॉर डेली यूज जी। और बाकी ये वाले जो हैं दीज आर वंस इन अ वीक। गार्नियर के भी हैं जी, गार्नियर वाले की क्या प्राइस है? गार्नियर की 3-in-1 इसका मैम आता है, एक इसका ये स्क्रब है, और ये 850 का, ये वाला ये 850 का है, और इनकी क्या प्राइस है? दे दी वापस अम्ब्रेला जी भाई जी। चले फिर घर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं भी आपको बताती हूँ जी मैं आपका कितना खर्चा कर रही हूँ। अच्छा क्या ऐसा हो गया? चले आई मैं आपको बताती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं गई आसमान को छू ले। अच्छा तो फिर आसमान पर सारी महंगाई महंगाई होगी। अभी आपकी मैं नहीं कुछ बोलती बंद करती हूँ। अच्छा, जाए आप। चंद चीजें मैं लाई हूँ, हजारों रुपए लग गए, और इतनी महंगी हो गई है कॉस्मेटिक्स, तो बहुत ही महंगी हो गई है कि मतलब जिसके कोई हद और हिसाब नहीं है। इसीलिए ये तो खैर मेरे वो है क्लिनजिंग के लिए कॉटन पैड्स, और ये मैंने जो लिया है ये 2500 का है बायोडर्मा इत्तू सा, इसीलिए मैं अब इत्तू सा लेती हूँ। पहले आपको याद है मैं बड़ा वाला लेती थी। हाँ। वो बड़ा तो मेरे ख्याल में 8-10-12 हजार का हो गया होगा। ठीक होगी बात।
साथ में अपना ये स्टीविया ले आई थी, साथ ये तहजीब से आपकी फेवरेट काम की चीज तो ये लाई है, ये वो वाली है। अभी खोलते हैं इसको, जरा चेक करते हैं जी कैसी मजेदार है। साथ एक ये भी मैं ले आई थी, इसके अंदर देखिए पीनट्स हैं। वाह गुड, ये ठीक है दोनों चीजें। साथ मैं ये रस ले आई थी, ये देखिए मुजीब कितना छोटा पैकेट है। हाँ, इन्होंने कितना छोटा कर दिया और इसकी प्राइस वही होगी, बट आई लव देम। प्राइस वही होगी, कभी भूख लगी भी होती है तो चाय के साथ खा सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर और थोड़ा सा खर्चा मुजीब, हौसला करे मुजीब, हौसला करे मुजीब, डोंट वरी कायम हूँ, कायम हूँ। अच्छा ये 900 का है, सिर्फ 900 का। ये क्या है? क्लींजिंग फोम। अच्छा, और ये मेरा कंडीशनर है, ये सिर्फ 6,250 का। रियली? जी, ये इसके बगैर मेरे बालों में वो नहीं आती, सॉफ्ट नहीं होते मेरे बाल। अच्छा, ओके। लेकिन ये लगता थोड़ा सा है तो इसलिए मैं ये ना चला लेती हूँ एक दो महीने। फिर मैं वैसे ही वहाँ फिर रही थी तो वो लड़की मुझे जो डी वॉटसन वाली है कहती है, मैं आपको लिपस्टिक दिखाती हूँ डेली वेयर के लिए। यार 2,900 की डेली वेयर की, बहन भाई साहब ये डेली हम, मैं कोई आपको शक्ल से कोई स्मगलर नजर आती हूँ कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि आप 3,000 की? उफ भाई, टू मच हो गया, बहुत महंगाई हो गई। और इन सारी चीजों में, इन चक्करों में जो है ना, वो मैंने मखड्डी हलवा बड़ा रट्टे मारे हुए हैं, बहुत दफा खाया है, बहुत मजे का मखड्डी हलवा बनता है, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं बनाया। आज बनाऊंगी और दिमाग यूज करके बनाऊंगी। यूट्यूब से मैंने थोड़ी बहुत देखी है कि इसकी क्या वो होती है। मौसम बहुत प्यारा है भाई, अभी आपको दिखाते हैं, बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मखड्डी हलवा बनाया जाए। बख्तावर ने मुझे काट के दे दिए बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह धो के रखी हुई है। सूजी मेरी आप ये देख ले मुजीब, दूरंदेशी जरा चेक करे मेरी। हाँ, चेक कराओ, दूरंदेशी तो मुझ पे खत्म है। रात को ही मैंने भिगो दी, दूध में भिगो दी थी, हालांकि अच्छा दूध नहीं भिगोई थी जी, एक कप दूध और एक कप सूजी भीग चुकी हुई है। बाकी सारा प्रोसीजर अभी करेंगे और गर्मा गर्म हलवे का मजा लेंगे इस बारिश के मौसम में। ऑन कर ले, ये कबूतर कुगी, कुगी, कुगी। अच्छा ये कुगी है। हाँ। कुगी को उर्दू में क्या कहते हैं? फाख्ता। फाख्ता है मुजीब, इसने बच्चा भी दिया था पिछले साल। चले आए फिर आराम से आए, उड़ना नहीं है। गुड गर्ल्स, ये घोंसला बनाएंगे। हाँ ये घोंसला बनाना चाह रहे हैं अभी। गाइस ये देख लें आप, कितना खूबसूरत प्यारा रिमझिम वाला खूबसूरत रेनी डे है। और ये फाख्ताएं हर साल आती हैं हमारे घर में, घोंसला बनाती हैं, बच्चे देती हैं, मुझे तो इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। और बातें जो मैं बना रही हूँ ना, इसमें ये भी हो सकता है कि मखड्डी हलवे की मैं रेसिपी भूल जाऊँ। जो भी बनेगा बड़े शौक से बनेगा, अगर अच्छा बना तो मैं रिकमेंड कर दूंगी कि आप बनाएं, अगर मेरे से अच्छा ना बना तो फिर कोई और रेसिपी आप यूट्यूब में फॉलो कर लें, फिर रिकमेंड कर देंगे कि ना बनाएं। नहीं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाएगा। हाँ ठीक है ना, ये देखिए मौसम। चले जी, चले चले चलो आप। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान हमारा सर चुका हुआ है। एक तरफ कोने में थोड़ी सी जो चीजें पड़ी हुई है मेरी, उससे पहले बख्तावर ने कहा है जनाब के मेरी चीजें दिखा दे। तो आज जो हमारा मेन्यू है उसमें ये व्हाइट बीन्स हैं, ठीक है, ये भुनी हुई बीन्स हैं, यानी मसाला भून के बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही ये आगे आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फ्रूट चाट है, ठीक है जी। इसी बहाने अमरूद से बनाना जो कि फाइबर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम खा लेते हैं। उसके बाद ये रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चने उबाल के रखे हुए बड़े ही अच्छे नमक डाल के, ये इसके अभी पैकेट बना लेगी बख्तावर। और हमारा लाल लोबिया बन चुका हुआ है, ये भी बन जाएगा। इधर आ जाए तो ये मखड्डी हलवा बनने लगा है। ये वाला मैंने कप लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कप एक ही यूज होना चाहिए, ये नहीं कि इतने बड़े मग में सूजी आपने नापी हुई और इतने से कप में चीनी आपने नापी हुई हो। तो इससे मैंने ली थी जनाब, एक कप मैंने सूजी ली थी रात को और उसको मैंने छान लिया था। इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि सूजी को छान लें कि उसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज ना निकले, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर उस सूजी को हमने जो है वो एक कप दूध में भिगो दिया था। अब ये सारी रात सूजी ने जो दूध है उसको सोख लिया।
घी जो है वो आधा कप होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा कम लूंगी। असली घी। उसके अलावा बादाम और किशमिश है और बस है। बादाम नहीं नहीं गाइस, इलायचियां भी हैं दो, नहीं मेरा मतलब है ये तो बहुत कम है। चलो देखते हैं यार क्या बनता है। भाई मुनीर देखे मौसम क्या कह रहा है, पुकार पुकार के मौसम पुकार पुकार कह रहा है कि मखंडी हलवा खाने के लिए। मखंडी हलवा, लेट्स स्टार्ट। हमारी चढ़ गई चूल्हे पे, अब कोई ना कोई गुल खिल, कारगुजारी होने, कोई ना कोई गुल खिलने वाला है, मैं बता रही हूँ। चम्मच दो, मैजिक चम्मच दे दे। घी जो है वो आधा, मतलब एक कप सूजी में आधा कप चम्मच, आधा कप कप घी, और घी होना चाहिए, ऑयल में नहीं बनेगा। मतलब आप लोग दिल में सोच रहे हो कि इधर ऑयल डालकर हम करें, और ये असली घी हो तो जी, तो क्या ही बात है। ये इतना मेरे ख्याल में डाल लूं, ठीक है, आधा सा कप बस। टावर जी, बाजी जी, दो इलायचियां भी दे दें। ठीक हो गया बाजी जी। अब ये घी पिघलेगा और इसके अंदर डलेंगी दो इलायचियां। घी पिघलने के बाद होती है आपसे मुलाकात, ब्रेक के बाद। घी पिघल गया है, अब ये हमने डाल दी इसके अंदर। एक कप सूजी में मैं इतनी चीनी डाल रही हूँ, ठीक है, आप लोग चाहे तो जितनी आपका दिल चाह रहा डाल लें, ठीक है। वैसे तो खलूस की भी बड़ी मिठास होती है, मिठास होती है, बनाएंगे तो कम चीनी डालनी पड़ेगी, कम खर्चा होगा। ओके, ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने फ्लेम रख कर देना है मीडियम, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी जल जाती है, ठीक है, और ये चीनी पिघलेगी और ये ब्राउन हो जाएगी। इसको क्लोजअप दिखाएं ना मुझे, ये चीनी अब यहाँ पे पिघल के पानी की तरह हो जाएगी और फिर जनाब ये होना शुरू हो जाएगी, शीरा बन जाएगा ना, यानी नहीं शीरा नहीं बनेगा, कैरामलाइज हो जाएगी। अच्छा, ओके, बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी इस मग की तरह, ठीक। अच्छा, ओके, ठीक है, इसको हम कैरामलाइज करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है जब ये चीनी हो जाएगी जनाब कैरामलाइज। कैरामलाइज हरे थाली में दो दो चम्मच जी, बाकियों को भी इसी तरह हमने किया है ना जी। ये देखें, वाह भाई वाह, बिल्कुल अलग अलग हो गया ना। ये देखें क्या कलर आ गया, टॉफी वाला, कितनी अच्छी आ रही है। अभी ये देखें मुझे, हाँ? ये देखें भाई, मैं तो खुदाई कसम मैं हलवे की मुझे खोल लेने लगी हूँ दुकान। ये मखड्डी हलवा, मामा मखड्डी हलवा, MMH, मामा मखड्डी हलवा। अच्छा बताएं आपका हलवा कितना ब्राउन चाह रहे हैं आप, उस वहां पर मैं डाल दूंगी, बस इतना ब्राउन काफी है। ये देखिए इतना ब्राउन काफी है, ब्लैक ना होने देना, चीनी को ब्लैक नहीं होने देना गाइस, इतने काफी है। नहीं मेरी थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए, हलवे का कलर आ जाएगा ब्राउन। ये देखे कैसा मजेदार घी जो है ना, लग रहा है पानी है, है ना, कितना वो हो गया, और खुशबू कितनी आ रही है बेशुमार, कैरामलाइज शुगर की और देसी घी और इलायचियां और साथ मेरी मजेदार बातें, मज्जा आ रहा है, मज्जा मज्जा। मुझे दिखाएं ये करते करते, ये ना हो इधर कोई मुसीबत पड़ी हुई हो, ये देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है, और ये बेसिकली खुशबू जो है ना असली घी की है, है ना। हाँ बस ये मेरे ख्याल में अब डालती हूँ, डाल थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए तो डालती हूँ। ये देखिए ले जी, अब देख ले फिर ना कहना कि मैंने रेड नहीं होने दी शुगर। अच्छा अब ये पीछे होके करना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये एकदम उछलेगा, उछला ही नहीं है नहीं फिर भी मतलब कोई पता नहीं होता जी, है यूट्यूब में यही बता रहे थे कि किस तरह की हरकत कर रहे जी, कि आपने ऐसे डालना है कि पीछे होके डालना है, होके डालना है। ये आपने डाल दी इसमें सूजी और ये आपने इसका मिक्स किया अपनी शुगर के साथ। अच्छा ये शुगर एकदम से ना क्रिस्टलाइज हो जाएगी, होगी है हाँ, लेकिन ये आप इससे आपने घबरा नहीं जाना, मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है ना जब, क्योंकि ये ठंडी डाली है ना आपने बीच में सूजी, तो ये क्रिस्टलाइज हो रही है, लेकिन ये आपने इसको मिक्स करते रहना, ये दोबारा पिघल जाएगी। ओके, ये दोबारा पिघलेगी। अच्छा अच्छा, नीचे चूल्हा जो जल रहा है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर किसी ने भी परेशान नहीं होना क्योंकि ये चीनी अभी थोड़ी सी ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल बन गए हैं, ये अभी हम जूजू चलाते जाएंगे ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने इसको 10-15 मिनट भूनना है। अच्छा, और फिर आपका हलवा हो जाएगा जैसे ही बारिश होती है। जाफर गाड़ी साफ करता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर साफ करता है। बख्तावर अभी आपने कढ़ाई मुर्गी बनानी है। ये है जी, लुक तो मैं बता दूं बड़ी यमी आ रही है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आई विश के ये खुशबू मैं सारों को सेंड कर सकती। बारिश के मौसम में इस तरह का जो हलवा होता है ना गरम गरम, उससे मजा आ जाता है। नहीं बिल्कुल, वाह जी वाह, मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हलवा मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने खाया बहुत था, मैं कहती थी पता नहीं ये इसमें क्या कैसे बनता है। हाँ, तो अब इसको हम करते हैं सर। शक्ल वक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, है ना मुझे सो यमी। बहुत ही क्लोज अप लाइन ना, ये देखिए जी। है मजे का। ऊपर छिड़के बादाम डाले। बख्तावर आप भी डालो। ले जी, ये लो जी, ले ले जी। चख के देखना चाहिए है ना जी। बाजी जी, चम्मच एक लाएं ना। वाह जी वाह, है मजे का। अभी तो बहुत मजे। अच्छा, अभी मुझे अभी मुझे जी अभी आपको चख के दिखाएंगे बाबा कि कैसा मजे का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। और इसके अलावा दो मेरे पार्सल्स आए हुए हैं जो कि मुझे खुद भी नहीं याद कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो लेट्स ओपन दोज पार्सल्स और मुजीब चखते हैं हलवा। ले जी, बिस्मिल्लाह। गरम है। अगर मेरी चीख की आवाज आई इसका मतलब बहुत गरम है। चीनी बहुत ही, सूजी सख्त तो नहीं है? नहीं, शक्ल भी बहुत अच्छी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सोन हलवा बन गया। अच्छा जी, एक तो ये आया है, दोनों ही कल ही आए हैं। ओ अच्छा, ये है जनाब, ये ग्रीन योर ब्यूटी रूटीन स्किन डीप वालों की तरफ से। ये मुझे मरियम ने बताया था कि मामा ये आप मंगवाएं। और ये है जनाब आपकी स्किन को यंग करने वाली क्रीम। अच्छा, इसकी स्टोरी ये हुई थी कि ये 999 की एक बॉटल है, लेकिन मैंने जब टोटल वो उन्होंने मुझे भेजा तो इट वाज फॉर 2000, तो मैंने गलती से जल्दी में टू क्रीम्स का ऑर्डर दे दिया था। इसलिए ये 2200 समथिंग की आई है। अब ये ना हो कि मैं दो क्रीम्स यूज़ कर करके कुछ ज़्यादा ही यंग हो जाऊँ। इट वॉज जस्ट अ जोक, यंग होने की बात नहीं होती है। हर एज में काबिले कबूल शक्ल रखनी चाहिए, अपने आप को दुरुस्त करके रखना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। और हर एज के हिसाब से जो शक्ल होती है वो काबिले कबूल होती है। खूबसूरती का एज से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यूथ की ब्यूटी अपनी एक होती है, लेकिन हर एज में इंसान अपने आप को अच्छा अच्छे तरीके से अगर मेंटेन करके रखे तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये खोलते हैं जो कि मुझसे खुल नहीं रहा। ओए हाय, शदीद कुश्ती के बाद खुल गया। अभी तो मुझे लगता है कि कुश्ती का भी एक अवार्ड मुझे और बाबा को मिल सकता है, क्योंकि बाबा ने भी आकर इसको कुश्ती के अंदर से फिर ये निकला है। अच्छा जी, ये निकल आई इसमें से क्रीम्स। ये ओए हो, ये तो बहुत ही मिनिएचर साइज की क्रीम्स हैं, और इन क्रीम्स का नाम है जी ड्रीम क्रीम। ड्रीम क्रीम यानी कि ये क्रीम लगाकर आप हो जाएंगे यंग। नहीं, ये स्किन को फ्लॉलेस कर देती है। ठीक है जी, इसमें क्या कुछ है और क्या इसका रिजल्ट आएगा। डब्बी के अंदर से एक और छोटी सी निकली है, निकली है। और इसको मैं खोलूंगी। ओए खुल जा सिम 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 सिम।
बहरहाल जी ये खुल नहीं रही है, खोलती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये है इतनी सी क्रीम 900 की, लेकिन ये लगानी भी बहुत थोड़ी होती है, लाइक जितना पी साइज एक दो इधर, पी साइज एक दो इधर इधर, अच्छा, और ये आपने रात को लगानी है ताकि आपकी स्किन हो जाए बिल्कुल फ्रेश। तो ये दो क्रीम्स आई हैं, ये आई हैं तकरीबन 200 की, 999 की एक है, और 2000 की। ये भी मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, उसको भी मैं इस तरह खोलूं। हाँ, वरना तो नहीं खुलेंगे ये, वरना नहीं खुलेगा, इसके ऊपर स्टेपलर से वो किया हुआ है। ये उन्होंने मैं कहा कैरेज के डर से किया होता है, खराब ना हो सारा जी, दैट इज व्हाई। ओ, ये जब हमारा अमेरिका जाने का प्लान अभी बन रहा है ना, हाँ? उस हिसाब से मैंने ये अच्छा अपने कॉस्मेटिक्स रखने के लिए बैग मंगवाया है। ओके, ये इस तरह से है, अच्छा बैग लग रहा है मुझे जी, ब्यूटेक्स वालों का। किनका? ब्यूटेक्स जी। ये है 2800 का, और इसके अंदर जनाब बने हुए हैं ये सारे कंपार्टमेंट्स। अच्छा, वाह जी वाह। ये फॉर आप इसमें फाउंडेशंस रख लें, इसमें आप अपने लिप कलर्स रख लें, इसमें आप अपने मस्कारास रख लें, इसमें आप अपनी लिप पेंसिल्स रख लें, इस तरह से आपके ये आराम से आपका ये होता है, और फिर उसके बाद आप फिगर आउट करते हैं इसका दोबारा कौन सी चीज हो जाता है। ये देखिए यूं है ना, हाँ? ये देखिए यूं बंद हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये नहीं है कि फिर आपने इसको रोल रोल, लेकिन स्पेस नहीं लेगा ज्यादा? नहीं, ये पूरा एक बैग सा बन जाएगा, और आप अपने बक्से में इसको रख दो, जरा सा साइड पे करके इसको साइड पे फिक्स कर दे, और इसके अंदर आपका दुनिया जहान का सामान आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक मंगवाया था, और ब्लैक ही कलर का मुझे पसंद है, तो मैंने ब्लैक ही मंगवाया था, और साथ ये आई है जनाब हमारी दो अदद क्रीम्स। तो ये मैंने नहीं खोला था, मैंने सोचा था कि आज व्लॉग बनाऊंगी तो फिर आपके सामने खोलूंगी। तो ये थी हमारी आज की रूटीन। अभी वाइट बीन्स बने हुए हैं, और कढ़ाई वो साथ फ्रेश ही बना कर देगी हमें, वो होगा जनाब अली डिनर, और उसके बाद हम खाएंगे साथ वो डिज़र्ट के तौर पे हलवा, और फ्रूट चाट भी बनी हुई है। मैं तो बहुत ही थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी गेन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना कम करूँ, बाकी मैं खा लूंगा जी। नहीं, मेरा वेट लूज हो रहा है जी। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप ना मरियम देख लो बाबा को, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाबा को भी कोई नसीहत कर दें आज कमेंट बॉक्स में। कल तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाते जाते मैंने कहा मैं आपको ये फूल दिखा दूं, मरियम की एनिवर्सरी पे जो हम लाए थे, बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, और इस तरह वाला तो बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये पीच, आई लव इट, पीच, यस।